हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल है जी आप लोगों के? आई होप सो सब बढ़िया होंगे। तो कल फर्स्ट फेब सीए फाइनल का रिजल्ट आया। न्यू कोर्स की अगर मैं बात करूँ फाइनल लेवल पे, तो लगभग 14.47% का रिजल्ट था, मतलब मोटा मोटा 15%। और अगर ओल्ड कोर्स की बात करूँ तो 5.84% था, मोटा मोटा 6%। तो यानी कि न्यू कोर्स में 15% बच्चा पास कर गया और ओल्ड कोर्स में 6% बच्चा पास कर गया और सीए क्वालिफाई कर गया। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम, जो जो भी कल क्वालिफाई कर गया उनके लिए तहे दिल से सर ढेर सारी शुभकामनाएं। अपनी लाइफ इंजॉय करो और अपनी करियर की ऊंचाइयों पे बहुत ऊपर तक जाओ, ठीक है जी? अब आपको एक रास्ता मिल गया है, एक वे मिल गया है, अब आपको लाइफ में बहुत आगे बढ़ना है, ठीक? ये जो वीडियो है वो मैंने स्पेसिफिकली उन बच्चों के लिए बनाई है जिनका क्लियर नहीं हुआ है। अब देखो सर, न्यू कोर्स को पकड़ के चलूं तो मोटा मोटा 15% बच्चा पास कर गया और 85% बच्चा अभी सीए नहीं बना। 85% में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका एक ग्रुप क्लियर हो गया और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका अभी कुछ भी क्लियर नहीं हुआ। अब मुद्दा यह आता है कि सर अब हमें करना क्या है, नाउ व्हाट टू डू? देखो 3 महीने का आपके पास टाइम है, मैं आपके ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, 10-12 मिनट लूंगा बस आपके, 15 मिनट तक मैक्सिमम, 3 महीने तक का आपका टाइम है। अब 3 महीने में सर आपको जी जान लगानी है और मई 21 में आपको एग्जाम्स किसी भी हालत में क्लियर करके निकलने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने आप के साथ कमिटमेंट करना सीखो। कमी पता क्या है, देखो मैं तो ये मानता हूं, मैं शुरू से मेरा ये फंडा है, आप लोग मेरी बात से एग्री करो या ना करो, मेरा शुरू से ये फंडा है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर आप पास हो गए ऑब्वियसली अच्छी बात है, अगर आप नहीं भी पास हुए ना तो सर उसमें भी कुछ अपनी भलाई समझो। क्या भलाई समझो? मान लो अगर आप अभी क्लियर नहीं हुए, ठीक, तो उसमें आपके लिए बेनिफिट क्या है, अच्छा क्या है कि सर आपको और अभी पढ़ने की जरूरत है, आपको अपनी नॉलेज को और सुधारने की जरूरत है। बच्चे कहते हैं सर इतना पढ़ लिए लेकिन फिर भी पास नहीं हो रहे, 4 अटेम्प्ट लग गए, 5 अटेम्प्ट लग गए लेकिन पास नहीं हो रहे। भाई साहब अभी आप बिल्कुल परफेक्ट नहीं हो। इंस्टीट्यूट सीए, देखो सीए कोर्स हर किसी को नहीं मिलता, ये सीए के जो 2 वर्ष है ये हर किसी को नहीं मिलते। इसके लिए मेहनत चाहिए, इसके लिए आपको स्किल्स चाहिए, इसके लिए आपको पूरी प्रॉपर नॉलेज चाहिए। तो अगर आप रुक रहे हो, अगर आप क्लियर नहीं कर रहे हो, तो इसका मतलब अभी आप उस लेवल तक पहुंचे ही नहीं हो जो आपको पहुंच जाना चाहिए, मतलब वो वर्ड हासिल करने के लिए अभी आप तैयार नहीं हो। तो इस चीज को सर पॉजिटिव लेके चलो, नेगेटिव मत लो, बिल्कुल नेगेटिविटी मत लाओ। ठीक है 1-2 दिन रहता है, मूड खराब रहता है, लेकिन कोई बात नहीं, नेगेटिविटी से दूर रहो और इस चीज को पॉजिटिव लेके चलो कि अगर मैं रह गया या मैं रुक गया तो इसमें हो सकता है मेरी कुछ भलाई हो, मुझे और पढ़ने के 2-3 महीने मिलेंगे तो मेरी नॉलेज और सुधरेगी। जितनी बार पढ़ोगे ना उतनी बार आपकी नॉलेज इंप्रूव होती है। सर मैं भी फेल होके आ चुका हूँ, 2 बार फाइनल लेवल पे मैं भी रह चुका हूँ, लेकिन एक एक बार रहने के बाद मुझे पता लग गया था। फर्स्ट अटेम्प्ट में जब मैं रहा था तो मुझे पता लग गया था कि कुछ आता ही नहीं है मेरे को, अभी मैं फाइनल क्लियर करने लायक ही नहीं हूँ, सीए बनने लायक ही नहीं हूँ। दूसरी बार फिर मैंने मेहनत करी, फिर भी मैं रह गया तो मुझे पता लगा कि अभी भी और कुछ ना कुछ कमी है। थर्ड टाइम जब मैंने एग्जाम दिए तो मैंने पूरी जी जान लगाई और फिर मुझे पता लग गया कि हाँ अब मेरी नॉलेज कुछ बनी है, अब मैं सीए कहलाने लायक हूं, और फिर मैं क्लियर कर गया। तो मतलब जब भी आप रह रहे हो तो सर इसमें कुछ ना कुछ कमी ये हो सकती है कि नॉलेज की कमी है, अभी मेहनत करने की और जरूरत है। तो यू हैव टू पॉलिश योर सेल्फ, आपको उठना है, डस्ट को साफ करना है और दोबारा दौड़ते चले जाना है। एक कहावत होती है कि सर जब एक शेर होता है, शेर शिकार करता है, अगर शेर 2 कदम पीछे ले रहा है, अगर एक शेर 2 कदम पीछे ले रहा है, इसका मतलब वो जबरदस्त तरीके से अटैक करने वाला है, तो आपको वैसे ही बनना है। अगर आप 2 कदम पीछे हुए हो तो पीछे का मतलब ये नहीं कि आप पीछे चलते चले जाओगे, आप 2 कदम पीछे हुए इसका मतलब आप और अच्छी छलांग लगाने वाले हो, आप और अच्छी एनर्जी से डबल तरीके से अटैक करने वाले हो। यू हैव टू गिव योर बेस्ट दिस टाइम, ठीक? अब 3 महीने बचे हैं तो उस 3 महीने की मैं प्लानिंग लेके आया हूं आपके सामने, जल्दी जल्दी डिस्कस करेंगे। देखो थोड़ा प्रैक्टिकल होके भी हमें सोचना है। मैं अब देखो तीन अब सबसे बड़ा क्वेश्चन अराइज होता है, सर सिंगल ग्रुप दूं या बोथ ग्रुप दूं? अब क्वेश्चन अराइज हो गया सर सिंगल या बोथ। कुछ बच्चे बोथ पहले दे चुके लेकिन एक भी क्लियर नहीं हुआ, कुछ बच्चे ने बोथ दिया था एक क्लियर होगा तो उनके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन वो बच्चे जिन्होंने बोथ पहले दे दिए थे अब वो सोच रहे हैं कि सर सिंगल दूं या बोथ, या जिन्होंने पहले एक बार सिंगल दिया था अब वो सोच रहे हैं कि सर क्या मैं दूसरा ग्रुप भी, मतलब दोनों ग्रुप साथ में दे दूं या नहीं। देखो ये डिसीजन बहुत सोच समझ के लेना। कई बार क्या होता है सर हम ईगो में फंसके अगर मैंने पहले बोथ दिए और मैं ईगो में फंसके नहीं यार बोथ दिए पहले तो अब फिर दोबारा बोथ ही दूंगा, ईगो में फंस के कोई डिसीजन मत लेना। यू हैव टू बी प्रैक्टिकल, आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि सर क्या मेरी दोनों ग्रुप की तैयारी है अभी या नहीं। अगर आपको लगता है कि सर आपकी एक ग्रुप की तैयारी है और लेकिन दूसरे ग्रुप में तो आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं आता या बहुत ही कम कुछ आता है, तो सर एक ग्रुप के लिए जाओ,
आराम आराम से एक एक ग्रुप करके निकाल लो, कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, कोई पीछे नहीं पड़ रहा कि सर अभी दो ग्रुप दो, आराम आराम से एक एक ग्रुप करके निकाल लो, कोई जबरदस्ती नहीं है। अगर आपको लगता है कि सर आपकी तैयारी है अच्छी, आप कर सकते हो, दोबारा बोथ ग्रुप्स की तैयारी कर सकते हो, यू हैव टाइम यू हैव स्ट्रेंथ, तो सर आप चले जाओ। देखो हर किसी के पढ़ने की स्ट्रेंथ अलग होती है, हर किसी का पढ़ाई का तरीका अलग होता है, हर किसी की सिचुएशंस अलग होती हैं, तो आपको हर चीज एनालाइज करके देखना पड़ेगा कि मुझे सिंगल ग्रुप देना है या बोथ ग्रुप देना है। जल्दबाजी में किसी भी टाइप का डिसीजन आप लोगों को नहीं लेना है, यही सबसे बड़ी दिक्कत आ जाती है। सोचते हैं कि सर बोथ देंगे बोथ देंगे बोथ देंगे, लेकिन बोथ के चक्कर में एक भी क्लियर नहीं हो रहा, तो सोच लो, तसल्ली से एक दो दिन लगाओ और सोचो कि मुझे सिंगल पे जाना है या बोथ पे जाना है। ठीक, ओके। अब 3 महीने बचे हैं आपके पास, प्लानिंग मैंने एक बना रखी है, मैं आपको एक फटाफट समझा दूंगा प्लानिंग क्या है। 3 महीने बचे हैं आपके पास, और अब आपको जो करनी है तैयारी वो किस तरीके से करनी है, क्या क्या चीजों पे आपको कंसिडर मतलब ज्यादा ध्यान देके चलना है। ठीक, प्लानिंग मैं बोथ ग्रुप्स के लिए गया हूं, ठीक, लेकिन अगर आप सिंगल ग्रुप ही देना चाह रहे हो तो सर आप अपनी प्लानिंग को अकॉर्डिंगली मॉडिफाई कर लेना। प्लानिंग मैंने अपने हिसाब से बनाई है, आप इसमें मॉडिफिकेशन बिल्कुल बड़ी आराम से करके चल सकते हो। आओ जी स्क्रीन पे मैं आपको दिखाता हूं। देखो जी ये कुछ प्लानिंग है मेरी, लास्ट 3 महीने की प्लानिंग है फॉर सीए फाइनल। ठीक, आज हो गया सर 2nd February, तो मैंने आज से ही आपकी प्लानिंग शुरू कर दी है कि आज आप पढ़ना तो शुरू करोगे ऑब्वियसली। अगर आप बोथ ग्रुप्स की तैयारी कर रहे हो, अब न्यू कोर्स ओल्ड कोर्स है आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लेना, मैंने न्यू कोर्स के सब्जेक्ट लिखे हुए हैं, बीच बीच में ओल्ड कोर्स भी बताता रहूंगा। तो 2nd February से लेकर मतलब आज से लेकर आपको क्या करना है सर, 10-10 दिन की प्लानिंग करनी है। पहले 10 दिन उठाओ और 2 सब्जेक्ट कवर करके चलो, फिर अगले 10 दिन उठाओ फिर 2 सब्जेक्ट कवर करके चलो, फिर 10 दिन फिर 2 सब्जेक्ट, फिर 10 दिन फिर 2 सब्जेक्ट। ठीक, तैयारी करना सर ग्रुप वाइज, तैयारी करना ग्रुप वाइज, ऐसे मत करना बिल्कुल भी गलती कि सर एक सब्जेक्ट एक ग्रुप का उठा लिया, दूसरा सब्जेक्ट दूसरे ग्रुप का उठा लिया, ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। हमें सेट ऑफ वाला बेनिफिट भी ध्यान में रखना है, ध्यान रखना सेट ऑफ वाला बेनिफिट होता है। तो आपको प्रैक्टिकल होके सर पहले पूरा एक ग्रुप कंप्लीट करना है। ठीक, एक ग्रुप जब आपका कंप्लीट हो जाए उसके बाद देखो कि सर क्या मैं दूसरे ग्रुप पे जा पा रहा हूं या नहीं जा पा रहा। अगर तो आप दूसरे ग्रुप पे जा सकते हो तब चले जाओ, लेकिन कई बार आपकी दूसरे ग्रुप पे आप नहीं जा पा रहे क्योंकि पहले ग्रुप में आपको ज्यादा टाइम लग रहा है, तो सर डोंट गो फॉर सेकंड ग्रुप, अगले अटेम्प्ट में दे देना पहला ग्रुप अच्छे से दे दो। ठीक, अब वो ग्रुप कौन सा देना है, पहले फर्स्ट देना है सेकंड देना है, वो आपके ऊपर है। मैंने फर्स्ट लिख दिया यहां पर, लेकिन आपको फर्स्ट देना है सेकंड देना वो आपके ऊपर है, वो आपकी टोटली तैयारी के ऊपर है। ठीक, तो अगर मैं बात करूं सर अगले 10 दिन यानी कि 2nd February से लेकर 12 February तक का जो टाइम है, यू हैव टू डिवोट फॉर द 2 सब्जेक्ट, दैट इज एफ आर एन ऑडिट। देखो मैंने एफ आर और ऑडिट वैसे सेलेक्ट कर लिया, लेकिन आप क्या कर सकते हो यहां पर, सबसे पहले जिन सब्जेक्ट्स में फर्स्ट ग्रुप के जिस सब्जेक्ट में आपको सबसे ज्यादा दिक्कत है वो सब्जेक्ट बनाकर चल सकते हो। मान लो आपको लगता है सर मेरे को ऑडिट में दिक्कत आती है और साथ में मुझे लॉ में दिक्कत आती है, तो ऑडिट और लॉ साथ में मत उठाना, बहुत बोर हो जाओगे, थ्योरिटिकल है। तो एक प्रैक्टिकल एक थ्योरी का कॉम्बिनेशन अच्छा रहता है, इसलिए मैंने एफआर और ऑडिट रखा। अगर आपको लगता है कि सर मेरे को एफआर तो अच्छे से आती है, मेरे को एसएफएम में दिक्कत आती है, तो आप ऑडिट के साथ एसएफएम लगा के चल सकते हो। आपको लगता है सर मेरे को एफआर और लॉ में दिक्कत आती है, तो एफआर और लॉ लगा सकते हो। अगर आपको लगता है सर मेरे को एसएफएम लॉ में, मतलब आप अपने कॉम्बिनेशन अपने हिसाब से बना सकते हो, लेकिन दोनों थ्योरी मत रखना, दोनों प्रैक्टिकल मत रखना, एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन। ठीक, तो 10 दिन की प्लानिंग रखो। मान लो आपने पहले शुरू किया विद द सब्जेक्ट ऑफ एफआर एंड ऑडिट, तो पहले 10 दिन आपको सिर्फ एफआर और ऑडिट करना है। सर कैसे कैसे करना है, अपने डे को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लो। मान लो आप 12 घंटे पढ़ते हो, देखो इतना तो आपको टाइम देना पड़ेगा, ये देखो कहने वाली बातें होती है कि 3 घंटे पढ़ लो, 4 घंटे पढ़ लो, 6 घंटे पढ़ लो, काम बन जाता है, ऐसा कुछ नहीं है सर। फाइनल लेवल की स्टडीज है, यू नीड टू डिवोट एटलीस्ट 12 आवर, 14 भी जाने चाहिए, 16 भी हो जाएंगे, 12 से 14, 16 घंटे इतनी आपको पढ़ाई चाहिए। अभी स्टार्ट करो 12-12 घंटे से, ठीक, धीरे धीरे करके इसको 14 आवर्स में लेके आना, और एग्जाम तक आते आते वो 15-16 आवर्स भी निकलने लग जाएगा आपका। ठीक, तो ये बेवकूफों वाली बातें में मत आना कि सर 3 घंटे पढ़ ले अच्छे से, 4 घंटे पढ़ ले अच्छे से, 6 घंटे पढ़ ले अच्छे से। भाई साहब सीए फाइनल है, सीए फाइनल है, तो प्लीज इसको सीए फाइनल लेवल की तरह लेके चलना। ठीक, तो आपने जैसे फॉर एग्जांपल 12 घंटे का टाइम निकाला, दिन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करो, 6 घंटे 1, 6 घंटे 1, पहले 6 घंटे में आपने मान लो एफआर करा, अगले 6 घंटे में आपने ऑडिट किया। ठीक, एक अपना शेड्यूल बना लो कि मैं किस टाइम पे पढ़ता हूं, अर्ली मॉर्निंग प्रेफर करता हूं, लेट नाइट प्रेफर करता हूं, टोटली डिपेंड्स ऑन यू। ठीक, सुबह आप एफआर करना चाहते हो सुबह एफआर कर लो, रात को ऑडिट करना चाहते हो सुबह ऑडिट करना चाहते हो, रात को एफआर करना चाहते हो, ये सब चीजें सर आपके ऊपर है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा, इसमें मैं कुछ एडवाइस आपको कर ही नहीं सकता। दूसरी चीज करना कहां से है,
करने के लिए सर आपके पास जो भी रेफरेंस बुक है वो रेफरेंस बुक रख लेना, जो भी आपके नोट्स बना रखे आपने वो नोट्स रख लेना, प्लस ICAI की बुक्स जरूर अपने पास रखना। इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल आपको जरूर कवर करके चलना है। अभी अगर आपने गलती करी थी कि इंस्टीट्यूट के मटेरियल को हाथ नहीं लगाया, तो सर ये गलती डोंट रिपीट इट, आपको इंस्टीट्यूट का मटेरियल करना है। चाहे आप कोई क्लास देखो या ना देखो, चाहे आप किसी कोचिंग की बुक उठाओ या ना उठाओ, लेकिन अगर इंस्टीट्यूट का मटेरियल छोड़ दिया तो आप बहुत बड़ा भारी अपना लॉस कर लोगे। तो इंस्टीट्यूट का मटेरियल, इंस्टीट्यूट का प्रैक्टिस मैनुअल ओल्ड कोर्स वालों के लिए, इंस्टीट्यूट के आरटीपीज वगैरह मॉक टेस्ट वगैरह दोनों के लिए, पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस, एक पेपर पैटर्न आप लोगों को पता होना चाहिए, वेटेज आप लोगों को पता होना चाहिए, सब कुछ आपको इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर अवेलेबल मिलेगा। जाके देखो सर इंस्टीट्यूट की वेबसाइट को, सब कुछ सारा कंटेंट मिलेगा। इवन बहुत अच्छी चीज सर, इंस्टीट्यूट ने रिवीजन के लिए भी कंपाइलेशन डाल रखी है, रिवीजन समरी चार्ट्स बना रखे हैं, वो सब वहां से डाउनलोड करो। व्हाई टू बाय सम अदर चार्ट्स आप सर इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से डाउनलोड करो, वो सब चीजें इंस्टीट्यूट में मिल जाएंगी आपको, एक बार जाके तो देखो। सबसे पहले आपने क्या करो, हर सब्जेक्ट का ना कोर्स कंटेंट लिख लो और इंपॉर्टेंस वाइज लिख लो कि सर सबसे ज्यादा वेटेज का क्या है। जैसे एफआर में बात करूं तो सर बिजनेस कॉम्बिनेशन के जो इंडेस है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और अपना सर इंडेस 116 ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मतलब एक वेटेज लिख लो कि सर कौन से वाली चीज मेरे को पहले कवर करके चले। ऐसे ऑडिट में आपको पता है सर, ऑडिट में प्रोफेशनल एथिक्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब इजी है, स्कोरिंग है, उसको पहले कवर करके चलो। फिर आपको लगता है कि सर जो आपके फिस्कल लॉज वाले ऑडिट है लाइक टैक्स ऑडिट वगैरह उसको कवर करके चलो, जीएसटी ऑडिट का वो क्वेश्चन नहीं पूछते उसको बाद में कर लेना, कुछ स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है, एसेज है, उनको कवर करके चलो। मतलब एक सिलेबस पैटर्न, एक पेपर पैटर्न, एक टॉपिक्स वाइज आपको लिस्ट अपनी बनानी पड़ेगी विद द इंपॉर्टेंस वाइज, और कवर करते चलो साथ साथ। कोई भी टॉपिक उठाओ उसको अपने जो भी आपके पास नोट्स हैं वहां से रिवाइज करो, इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल से उसको एक बार देखो, सारे क्वेश्चन इंस्टीट्यूट के देख लो, प्रैक्टिस मैनुअल देख लो, आरटीपी देख लो, मॉक टेस्ट देख लो, पास्ट एग्जाम देख लो। मतलब जो भी कवर करना है सर आपको इन 10 डेज के अंदर कवर करके चलना है। ऐसे मत करना गलती कि सर अभी मैं पूरा स्टडी मटेरियल देख लेता हूं उसके बाद पीएम देख लूंगा उसके बाद मॉक टेस्ट देख लूंगा, फिर टाइम नहीं मिलेगा, फिर टाइम नहीं मिलेगा, ठीक। और जब आपके 10 दिन में ये ऐसे दो सिलेबस आपके पूरा हो जाए, दो सब्जेक्ट आपके पूरा हो जाए, उसके बाद आपको मॉक टेस्ट जरूर देना है। इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे मॉक टेस्ट भी आपको मिल जाएंगे। किसी भी टाइप का पेपर उठा लो, कोई भी पुराना पेपर उठा लो, उसको सॉल्व करना शुरू कर दो, मॉक टेस्ट जरूर देना है। और मॉक टेस्ट के लिए भी मैंने दिन डिसाइड करे, जैसे आपने 2 से लेकर 12 फरवरी तक इन दोनों सब्जेक्ट को रिवाइज किया, फिर आपने अगले दिन एफआर का मॉक टेस्ट दिया, फिर बीच में एक दिन का आपने गैप दिया, और उसके अगले दिन आपने ऑडिट का मॉक टेस्ट दिया। इस तरीके से आपको जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो साथ साथ मॉक टेस्ट जरूर दे देना। इस तरीके से आपका क्या होगा सर, 2 सब्जेक्ट आपके पूरी तरीके से तैयार हो जाएंगे। मतलब आप किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज भी करोगे, टेस्ट भी दे दोगे, सब चीजें आपकी कवर हो जाएंगी। यही स्ट्रेटेजी आपको सर हर एक सब्जेक्ट के लिए लगानी है। जैसे कि जब आपका ये सारा काम 15 फरवरी तक हो जाएगा विद द टेस्ट, फिर उसके बाद आप 16 फरवरी से शुरू करना 25 फरवरी तक अगले 2 सब्जेक्ट SFM एंड लॉ, ठीक, ये कंप्लीट करके फिर उसका भी मॉक टेस्ट, फिर एक दिन का गैप, फिर अगले सब्जेक्ट का मॉक टेस्ट। फिर उसके बाद आप स्ट्रेटेजी बनाओगे 1st मार्च to 10th मार्च, जो आपका सेकंड ग्रुप है। देखो अब आपका क्या होगा सर, 25 फेब तक आपने फर्स्ट ग्रुप पूरा कंप्लीट कर लिया, फिर आप मार्च के महीने में आगे स्टार्ट विद द सेकंड ग्रुप सब्जेक्ट, SCM and IDT मैंने रखा, कॉम्बिनेशन आप अपने हिसाब से बनाना, कोई दिक्कत नहीं है। अगले 10 दिन आपने कॉस्टिंग और आईडीडी को करा, फिर उसका मॉक टेस्ट दिया, एक दिन का रिविजन दिया, अगले सब्जेक्ट का मॉक टेस्ट दिया, देन उसके बाद आपने लास्ट के 2 जो आपने 10 डेज है वो आपने डिवोट कर दिया विद द DT डायरेक्ट टैक्स, और इलेक्टिव पेपर है, या फिर अगर आप ओल्ड कोर्स में तो इसका का पेपर है। ऐसे करके सर आप लोगों को काम करके चलना है, और हर एक सब्जेक्ट के मॉक टेस्ट जरूर देने हैं। दिस इज द नेक्स्ट 2 मंथ स्ट्रेटजी, मतलब मार्च तक आपका पूरा बोथ ग्रुप्स अच्छे से रिवाइज हो जाएगा 10-10 दिन में, विद द मॉक टेस्ट, विद RTPs, विद प्रैक्टिस मैनुअल, विद पास्ट एग्जाम्स, किसी भी तरीके, विद इंस्टीट्यूट स्टडी मटेरियल। मतलब कोई भी कॉम्प्रोमाइज आप लोग बिल छोड़ोगे नहीं, ये ध्यान रखना, ठीक गाइस। एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं, सब चीजें मैं फेस करके आ चुका हूं, तो एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं कि इन चीजों को फॉलो करोगे, इस तरीके की स्ट्रेटेजी को फॉलो करोगे, देन यू विल बी एबल टू क्लियर योर एग्जाम्स। देखो एग्जाम्स क्लियर करना नॉलेज तो चाहिए चाहिए, साथ में हमें एक प्लानिंग चाहिए, हमें एक स्ट्रेटेजी चाहिए। मैं फाइनल के बच्चों से बात करता हूं तो सर वहां मुझे पता लगता है कि बच्चों की प्लानिंग ही नहीं है सर, पढ़े जा रहे हैं लेकिन दे डोंट हैव एनी प्लानिंग, उनकी प्लानिंग नहीं है, बस पढ़ रहे हैं। प्लानिंग बहुत जरूरी है, लाइफ में आगे बढ़ना है ना तो सर प्लानिंग बहुत जरूरी है। कल को सर आपको बिजनेसेस मैनेज करने हैं, आपको अपनी फर्म मैनेज करनी है, सब चीज बिजनेस मैनेज करना है अपना या किसी का बिजनेस मैनेज करना है, यू नीड टू हैव अ गुड स्ट्रेटेजी, गुड प्लानिंग, आपको प्लानिंग करनी आनी चाहिए, आपको टाइम की यूटिलाइजेशन करनी आनी चाहिए, तो सर बेस्ट यूटिलाइज करो।
स्टे अवे फ्रॉम द सोशल मीडिया, 2-3 महीने सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूर रहो। मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल कट ऑफ कर दो, क्योंकि आज के टाइम में कट ऑफ नहीं हो सकता। व्हाट्सएप भी जरूरी है, टेलीग्राम भी जरूरी है, फेसबुक भी जरूरी है, यूट्यूब भी जरूरी है, सब चीजें जरूरी है, लेकिन विद इन अ टाइम फ्रेम। हर चीज का टाइम बनाओ। अगर आप बोलते हो कि मैं पहले, मतलब जो मैंने बताया कि 12 घंटे पढ़ोगे, तो 12 घंटे को सर स्लॉट्स में डिवाइड कर लो, 3-3 घंटे के स्लॉट्स निकालो, कि अगर आप कोई 3 घंटे लेकर बैठे तो उसमें आपका मोबाइल फोन बिल्कुल नहीं होना चाहिए साथ में, उसमें सिर्फ आपका कोर्स कंटेंट और आपकी पढ़ाई होनी चाहिए, दैट्स इट, जीरो डिस्ट्रैक्शन। 3 घंटे पढ़ के उठोगे ना, फिर आप आधा पौना घंटा मोबाइल यूज करो, कोई नहीं रोक रहा आपको, कोई भी नहीं रोक रहा आपको, यूज करो, 1 घंटा यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगेन 3 घंटे पढ़ने बैठोगे, मोबाइल फोन दूर, फिर यूज करो, फिर दूर, फिर दूर, फिर यूज करो, ऐसे कर करके काम करो सर। मैं ये नहीं कहता दूर हो जाओ इन चीजों से, ये भी चीजें जरूरी है, लेकिन सर पढ़ाई सेक्रीफाइस नहीं होनी चाहिए, पढ़ाई कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? ये तो थी सर फेब और मार्च की बात। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो अप्रैल का महीना होगा उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ क्या देने हैं, मॉक टेस्ट देने हैं दोबारा। जितने टेस्ट दोगे, जितने पेपर लिख कर जाओगे, उतना ज्यादा आपके पास होने का परसेंटेज, पास होने की कहते ना सर्टेनिटी आने लग जाएगी। टेस्ट आपको देने हैं, मॉक टेस्ट देने ही देने हैं, ठीक। जैसे अप्रैल के महीने में बात करो तो आप हर सब्जेक्ट का मॉक टेस्ट दोगे आफ्टर 2-3 डेज, मतलब 2-3 दिन रिवाइज करा, फिर मॉक टेस्ट दिया, फिर रिवाइज करा अगला सब्जेक्ट, फिर मॉक टेस्ट दिया, ऐसे कर करके आपको मॉक टेस्ट देने। बात समझ में आ रही है सर, ठीक। ये तो थी बोथ ग्रुप्स की बात। अगर कोई बच्चा सिंगल ग्रुप दे रहा है तो वो अकॉर्डिंगली क्या कर सकता है सर, वो अकॉर्डिंगली अपना टाइम को डबल कर सकता है। जैसे मैंने यहाँ पर 10 दिन का टाइम दिया तो वो क्या कर सकता है, 5 दिन FR कर लिया, मान लो फर्स्ट ग्रुप दे रहे हो तो 5 दिन FR करा, फिर 1 दिन का गैप देकर उसका मॉक टेस्ट दे दिया, फिर अगले 5 दिन आपने ऑडिट किया, 1 दिन का गैप दिया, मॉक टेस्ट दिया, वो कॉम्बिनेशन ना बनाए, फिर वो क्या कर सकता है, वो सिंगल 5-5 दिन करके चल सकता है, 2 बार रिवीजन करके चल सकता है, ठीक है। तो ये स्ट्रेटजी, ये तरीका आप लोग को फॉलो करना चाहिए इन ऑर्डर टू क्लियर योर एग्जाम्स। कुछ छोटी छोटी बातें हैं सर जो आपको ध्यान में रखनी है, वो यही है कि सर अपने टाइम को यूटिलाइज करना सीखो, टाइम को बिल्कुल भी खराब मत करो, बेकार की चीजों से दूर रहो, अपनी सेहत का भी ध्यान रखो, एग्जाम टाइम पे ऐसा ना हो कि सर बीमार पड़ जाओ। अगले 3 महीने बहुत इंपॉर्टेंट है, मेहनत कर लोगे तो सर आपका डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा, टाइम खराब करते चले जाओगे तो आपको पता भी नहीं लगेगा सर कब टाइम चला गया। वैसे सर फेब का छोटा सा महीना होता है, आपको पता भी नहीं लगेगा कब फेब खत्म हो गया, तो सर अभी से ही टाइम है आपका, शुरू हो जाओ, जो हो गया हो गया, उसके ऊपर सर बार बार परेशान होने से, उसके ऊपर रोने से कोई भी फायदा नहीं है, मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ना पड़ेगा आपको। तो गाइस ये मेरी एडवाइस थी आपको, किसी भी तरीके की आपको मेरी एडवाइस अगर और चाहिए तो आप एक टाइम लेकर, एक सूटेबल टाइम लेकर मुझे कॉल कर सकते हो, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9717175748। आप एक सूटेबल टाइम लेकर मुझे कॉल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपको, हाँ जी, व्हाट्सअप करना है तो व्हाट्सअप भी करके चल सकते हो, ठीक। तो प्लानिंग मेरी ये सर, मैं जल्दी CA फाइनल की भी क्लासेस शुरू करने वाला हूँ ऑफ द सब्जेक्ट FR एंड ऑडिट, क्योंकि यही मेरे एरियाज हैं। तो गाइस देखते हैं, वो भी शुरू होंगी जल्दी से जल्दी, लेकिन कोई भी दिक्कत परेशानी है, कोई भी प्रॉब्लम हो, यू कैन कॉल मी, यू कैन व्हाट्सअप मी, आई विल डेफिनेटली गाइड यू, ठीक है जी। चलिए फिर, ऑल द वेरी बेस्ट एंड स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड। इस बार तो सर क्लियर करके जाना है, क्लियर करके निकालना है, खुद से प्रॉमिस करो, अपने माँ बाप से प्रॉमिस करो, बाकी किसी के आगे शो ऑफ मत करो, अपनी पढ़ाई सर अपने तक रखो, अपने माँ बाप से प्रॉमिस करो, खुद से प्रॉमिस करो, बस। बाकी सर दुनिया अभी, मैं सही बता रहा हूँ आपको, क्लियर नहीं हुआ ना, कोई नहीं पूछ रहा आपको, जिस दिन क्लियर कर जाओगे ना सब पूछेंगे आपको, ठीक है। तो अभी आपका टाइम टाइट है, वक्त आपका भी सिचुएशन टाइट है, वक्त आपके साथ नहीं है, वक्त आपके, मतलब कहते हैं ना, मतलब टाइट टाइम चल रहा है, उसको निकाल दो सर, उसको निकालो जैसे भी करके। इस समय कौन साथ देगा, माँ बाप साथ देंगे, आपका शरीर आपका साथ देगा और परमात्मा साथ देगा, बस, और कोई भी साथ नहीं देगा। और अगर आपके कोई टीचर्स हैं अच्छे, कोई मेंटर्स अच्छे, वो आपका साथ देंगे, दैट्स इट, और कोई दोस्त यारी कोई काम नहीं आएगी इस समय, ये ध्यान रखना, ठीक है जी। चलिए फिर, ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।